गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को बीजगणित विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, इस विधि को देखेंगे। तो सभी छात्र देखें पहले कि दो योगमें जो दिए हैं समीकरण के, दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह योगमें दिया हुआ है, ठीक है। इनको हम बीजगणित विधि से कैसे हल करेंगे, तो आप जो देखेंगे कि y के गुणांक क्या है, b1 और b2। तो y के गुणांक को हम b1 b2, इसके बाद नेक्स्ट होता है c1 c2 के बाद नेक्स्ट आप लिखिए a1 a2 के बाद नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, b1 b2। अब हम देखते हैं कि यह जो आपको फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूला में x अपॉन, आप देखें क्या दिख रहा है आपको, b1 का c2 से मल्टीप्लिकेशन माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 c2 a1, और 1 अपॉन a1 b2 a2 b1। तो इनके मल्टीप्लाई करके इसको आप रख देंगे और इसको सरल करके आप इसका हल कर सकते हैं। तो ये फार्मूले को याद रखिए। अब इसको कैसे यूज करना है ये हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाते हैं। तो यह है क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.5। इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन वन में हमको ये दिखाना है कि इन क्वेश्चन में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके असीमित हल हैं। तो इसके लिए हमने आपको मेथड बताया था कि क्या चेक करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इसका फर्स्ट देखेंगे, a1 अपॉन a2 कितना है, यहाँ x का गुणांक कितना, 1, और a2 3। फिर हम देखते हैं -3 अपॉन -9, इसके बाद -3 अपॉन -2, ठीक है। अब हम इसको और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, और इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2। तो हम ये देखते हैं कि यह जो मान है यह इक्वल है और लेकिन यह इक्वल नहीं है, ठीक है। तो एक एक इसका मान है, यह जो मान है आपका a1 अपॉन a2, यह किसका मान है, b1 अपॉन b2, और यह किसके बराबर है, c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये अगर ये वाली कंडीशन किसके लिए होती है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसका कोई हल नहीं है, क्लियर। यदि इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल कितना है, 2/3, b1 अपॉन b2 किसके बराबर है, 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल -8, 5/8। अब हम देखते हैं स्पष्ट है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, और यह बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब क्या होता है, यदि यह केस आता है a1 अपॉन a2
बराबर नहीं बी वन वन बी टू के, तो हमको अद्विति हल प्राप्त होता है। क्लियर? तो इसी प्रकार से आप तीसरा देखेंगे, तो तीसरा हम डायरेक्ट करके देखते हैं। तीसरा में देखें आप, थ्री अपॉन सिक्स इक्वल माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन इक्वल 20/40। तो आप इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये 5 से कटा तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो हम देखते हैं कि तीनों बराबर हैं, तो इसके क्या हल होंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसी प्रकार हम फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। फोर्थ में 1/3 नॉट इक्वल टू b1/b2, 3/3 माइनस 3/3। इसको सरल करते हैं, कितना आ जाएगा 1/3 नॉट इक्वल टू 1/1, तो इसका भी अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है। तो हम देखते हैं कि पहले केस में कोई हल नहीं है, दूसरे केस में अद्वितीय हल है, तीसरे में अनंत हल है, और चौथे केस में भी अद्वितीय हल है। तो आप इनके जो हमने नियम बताए थे, उन्हीं नियम के आधार पे आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन इसमें फुलफिल कर रही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.5 का सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था, इसका अद्वितीय हल था, तो इसको क्या करेंगे? हम बीजगणन विधि से हल करेंगे। तो बीजगणन विधि के लिए हमने आपको यह तो किया था कि यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे, यहाँ पर वाई लिखेंगे और यहाँ पर वन लिखेंगे। अब हम x के साथ y के गुणांक कितने हैं? 1 और 2। इसके बाद 5 को यहां पर ले आइए, तो -5 -8 c1 c2 हो गया। इसके बाद a1 a2 कितना है? 2 और 3। फिर इसके बाद b1 b2 1 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बीजगणित विधि से? एक्स अपॉन इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 × -8 -2 × -5 इक्वल वाई अपॉन -5 × 3 -2 × -8 इक्वल 1/2 × 2 -3 × 1। क्लियर? 2 × 2 यानी इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया और 3 × 1 मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, तो क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन -8 और माइनस माइनस प्लस 2 × 5 10 -15 और माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल 2 × 2 4 -1। इसको आप और सिंप्लीफाई करें, -8 प्लस 10 2, वाई अपॉन -15 प्लस 16 इक्वल 1, 1/ यहां पर 3 × 1 3 होगा, इसको 3 कर लीजिए, 4 − 1 4 − 3 इक्वल 1। अब हम इसको देखते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस 2 को आप 2/1 करेंगे,
टू अपॉन वन इक्वल टू, y इक्वल टू कितना, वन अपॉन वन इक्वल टू वन। तो आपके जो आंसर है x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू वन, क्लियर। तो यहां पर आपने बीजगणित विधि से कैसे क्वेश्चन हल करना है ये देख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उस कंडीशन में a और b का मान ज्ञात करना है। क्या करना हमको, a और b का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है अनेक हलों, अनेक हल होंगे, तो उसकी कंडीशंस क्या है, यदि a1 वन अपॉन ए टू इक्वल है b1 वन अपॉन बी टू इक्वल है c1 वन अपॉन सी टू, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें a1 वन अपॉन ए टू, ए वन कितना है यहां पर 2, a और a2 कितना है a माइनस बी इक्वल b1 वन अपॉन बी टू, थ्री अपॉन ए प्लस बी इक्वल c, c को 7 को आप लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस सेवन अपॉन माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस टू। तो हम ये देखते हैं कि इसको k मान लेते हैं, k, इसको k माना, क्लियर। तो आप देखेंगे कि a माइनस बी इक्वल वन अपॉन के मान लीजिए, इक्वल कितना हो जाएगा 2k, और a प्लस बी इक्वल 3k, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू 2k है, a प्लस बी इक्वल टू 3k। तो हम देखते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 3k यहां लिख दीजिए, इसको सिंपल करिए। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, हम बीजगणित विधि से विलोपन विधि का यूज करके इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 5k, a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 बाय 2k, क्लियर। अब हम यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो a कैंसिल हो जाता तो कितना आ जाता, लिए आप देखिए a प्लस बी इक्वल 3k, a माइनस बी इक्वल टू 2k। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, माइनस आ जाएगा, तो b और b ऐड हो जाएंगे और a और कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2b इक्वल k। तो यहां पर b इक्वल टू कितना हो जाएगा k बाय 2, क्लियर। तो अब a का मान और b का मान k के फॉर्म में है, तो हम यहां पर यहां देखते हैं कि 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल 7k, क्लियर। इससे अब हम यहां पर मान रख देते हैं a इक्वल टू कितना है 5 बाई 2 k, b इक्वल टू कितना है k बाई 2, और माइनस 7k इक्वल टू माइनस 2 को इस तरफ ले आइए, तो कितना वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। यहां देखेंगे 15 अपॉन 2 के प्लस के अपॉन 2 माइनस 7 के इक्वल टू, तो थोड़ा और सिंपल करिए, 15 के प्लस के और 7 इंटू 2 14 के इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो हम यहां देखते हैं 15 के माइनस 14 के और के प्लस के 2 के इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2, क्लियर। k इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा
अपॉन टू इंटू टू, टू और टू कैंसिल हो गया, इक्वल टू फाइव। बी इक्वल टू कितना है, के अपॉन टू, के की वैल्यू टू है, वन। तो आपका आंसर जो है इसका ए इक्वल फाइव एंड बी इक्वल वन, ये आपका इसका आंसर होते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहां पर कोई हल नहीं है, इसके लिए के का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या केस है? ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी टू। तो अब मान रखिए आप थ्री अपॉन टू के माइनस वन, और बी वन बी टू का गुणांक कितना है, वन अपॉन के माइनस वन नॉट इक्वल सी वन माइनस वन अपॉन माइनस टू के प्लस वन, ठीक है? तो हम यहां देखते हैं कि यह केस इक्वल है, ठीक है? इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा आपका, थ्री के माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर टू के माइनस वन, थ्री के माइनस थ्री टू के माइनस वन, तो थ्री के माइनस टू के थ्री माइनस वन, तो कितना आ गया के इक्वल टू, के इक्वल टू टू इसका मान होगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।